सामने है माँ मनसा देवी का मंदिर। जब भी आप हरिद्वार हर की पौड़ी के क्षेत्र में आए या हरिद्वार आए, आपको सावधान जरूर रहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, और स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड मक्कड़ में। मैं हूं इस वक्त हरिद्वार हर की पौड़ी का आप दृश्य देख रहे हैं और सामने है माँ मनसा देवी का मंदिर। कितनी भीड़ है, और बहुत ही भीड़ है, क्योंकि कारण है दोस्तों कि मौसम साफ है, सुबह सुबह का टाइम है, और दूसरी बात जल भी धीरे धीरे साफ हो रहा है। दोस्तों, ऐसा भी यहाँ पर आज पहली बार ही देखा गया है, और इनके बारे में पता करा गया तो ये पहली बार आए हैं महाराष्ट्र मुंबई से। तो इस वक्त हम खड़े हैं ब्रह्मकुंड घाट पर और आप देख रहे हैं हर की पौड़ी का दृश्य। हरिद्वार आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार मंदिर व शहर भी कहलाया जाता है। सामने है आपके हर की पौड़ी, और हर की पौड़ी पर आप इस वक्त भीड़ देख रहे हैं। दोस्तों, हरिद्वार इस वक्त आना आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि गंगा का जल साफ हो रहा है और इस वक्त आपको भीड़ भी बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसीलिए आप यहां पर पधार सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। यदि हम बात करें हरिद्वार में रुकने या ठहरने की दोस्तों, यानी कि आप होटल या धर्मशाला में, तो हरिद्वार के अंदर आपको 100 रुपये से लेकर रूम 1000 रुपये में बहुत ही बेस्ट रूम आपको मिल जाएंगे। और यदि आप अच्छी कंडीशन में और डीलक्स वगैरह के रूम देखना चाहते हैं, तो आप हरिद्वार हर की पौड़ी के क्षेत्र में आसपास में ही आपको 1500 से लेकर 2000 रुपये के बीच में सुपर डीलक्स डीलक्स वगैरह रूम भी अवेलेबल हैं। आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये फ़िलहाल सुबह के 8:30 बजे का दृश्य है दोस्तों, और आप इस वक्त यहाँ हर की पौड़ी में भीड़ देख ही रहे हैं। दोस्तों, गंगा जल दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल ही साफ धीरे धीरे होता जा रहा है, और इतनी थोड़े समय बाद बिल्कुल नीला हो जाएगा। आप फिलहाल गंगा जल के लिए और हरिद्वार पधार रहे हैं। आप हरिद्वार हर की पौड़ी के क्षेत्र में आएँ या हरिद्वार आएँ, आपको सावधान ज़रूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लूटने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, जिनको हम नकली या फ्रॉड साधु बोल सकते हैं, बिल्कुल भी इन लोगों को। कैसी लगी आपको ये वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गंगे माता।